ओके हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने फेस को कैसे नैनो ग्लोइंग का इफेक्ट दे सकते हो। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। एंड आप लोगों ने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने फोटो को सेंड करना होगा पिक्सेल के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ। तो इसके बाद आप लोगों ने टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करके अपने फोटो को इस टाइप का क्रॉप कर दीजिए। फाइन, देन आप लोगों ने डन करके बैक आना होगा। ओके, तो फिर से आना होगा टूल्स वाले आइकन पर। यस, आप लोगों ने अपने फोटो को और यहाँ पर आप लोगों ने रिसाइज करना होगा, 3098 में अपने फोटो को रखना होगा। ओके, तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा ना, आप लोगों ने आना होगा आर्ट पर के ऊपर। ओके, तो यस आप लोगों को मिलेगा एक ब्लैक इफेक्ट का पेंज आप लोगों को मिल जाएगा। तो जाकर आप लोगों ने सिंपल से वो पेंज को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ये वाली पेंज मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर दे दूंगा, आप लोगों ने जाकर वो पेंज को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप लोग को ये वाली पेंज मिलेगा, तो इसको ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको फुल स्क्रीन करके यहाँ पर ऐड करना होगा। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड का आप लोगों ने चेंज कर सकते हो, मैं इसको मल्टीप्लाई रखना होगा। एंड आप लोगों ने इरेज को बनाना होगा। ओके, हार्डनेस को माइनस करते हैं, साइज को थोड़ा सा प्लस करेंगे। एंड आप लोगों ने इस टाइप का अपने फेस को पर इस टाइप का पर ड्रॉ कर दीजिए। ओके, देन गाइस आप लोगों ने डन करके यहाँ पर आप लोगों ने बैक आना होगा। ओके, तो ये सब आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने इस सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने ड्रॉ टूल के अंदर चलाया जाइए। जो काम होगा ये ड्रॉ टूल के अंदर होगा। ओके, तो आप लोगों ने ध्यान से देखिए। तो ये पर आप लोगों को बहुत ही सारे आप लोगों को ब्रशेस मिल जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना, थर्ड वाले जो नंबर में जो ब्रश आप लोगों को मिलेगा वो ब्रश को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना ना, इस टाइप का अपने फेस को स्मूथ, सॉरी गाइस, जूम करना होगा। एंड आप लोगों ने इसका साइज को थोड़ा सा इस टाइप के ऊपर बढ़ाना होगा। एंड इसका ऑपोजिट का ऊपर क्या करना, बढ़ाना होगा। एंड इसका रखना होगा 50 में रखना होगा। ओके, देन आप लोगों पर एक कलर को चेंज कर दीजिए, कलर को प्रते हैं। एंड आप लोगों ने इसको ब्लू कलर में रखना होगा। ओके, ये वाली कलर को रखना होगा। देन गाइस आप लोगों ने डन करके बैक आ जाइए। तो फेस को यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप का ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक कर देता हूँ, साइज को और भी ज्यादा बढ़ा दीजिए। ओके, ये नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो ये भी नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ ना, मैंने यहाँ पर इसको सही तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ हो चुका है। एंड आप लोगों ने क्या करना, एक और लाइन को ड्रॉ करना होगा, इसलिए आप लोगों ने साइज को यहाँ पर क्या करना, हल्का से डाउन कर दीजिए। एंड आप लोगों ने स्टेप के ऊपर क्या करना, ड्रॉ कर दीजिए। ओके, फाइन, मेरा हो चुका है। तो आप लोगों ने इसके बाद आप लोगों ने लेयर को बनाना होगा। एंड ये भी लेयर को आप लोगों ने चेंज करके इसको रखना होगा, ओवरऑल रखना होगा। एंड आप लोगों ने चाहते तो इसको डार्कन भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको डार्कन रख देता हूँ। देन गाइस आप लोगों ने एक और एम्प्टी लेयर को क्रिएट करना होगा। ओके, देन इसके बाद आप लोगों ने क्या करना, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा शेप का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एक शेप को ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने ये वाले शेप को ले दूंगा। तो सॉरी, तो ये पर आप लोगों ने क्या करूँगा, ये वाले शेप को लेने के बाद आप लोगों ने इस टेप के ऊपर ड्रॉ करना होगा, जैसे गैस मैंने ड्रॉ किया हूँ। देन आप लोगों ने इसको यहाँ पर क्या करूँगा, मर्ज करना होगा। एंड आप लोगों ने इसको अपने आई के ऊपर इसको यहाँ पर एड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा है। और इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके इसको भी रखना होगा, डार्कन में रखना होगा। देन गाइस आप लोगों ने डन करके बैक आना होगा। ओके, तो इसके बाद आप लोगों ने आना होगा टूल्स वाले आइकन ऊपर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोग को एडजस्ट करना होगा, इसका जो ब्राइटनेस को थोड़ा सा प्लस कर दीजिए और इसका कॉन्ट्रास्ट को प्लस करते हैं, सैचुरेशन को प्लस करेंगे। और इसका जो ह्यू का आप लोगों ने क्या करूंगा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप का प्लस करना होगा।
तो आप लोगों ने देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही ऑसम सा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसे लगा ये फोटो एडिटिंग मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर गाइस।